हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड और मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग हिमालय को देख रहे थे और हिमालय पर्वत में जो इसके पहले वीडियो में हमने, चूँकि हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण विभाजन था उसको हमने देखा। उत्तर से दक्षिण विभाजन में हिमालय का जो चार तरह का विभाजन, जो प्रथम है वो ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय इसको बोलते हैं, या हिमाद्री हिमालय वो हो गया, और तीसरा हो गया मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और चौथा हो गया शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ का जो चारों विभाजन था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब जो आज देखने की बारी है, हिमालय में ही जो आगे बढ़ेंगे तो आगे जो अब देखने वाली बात है वो ये है, हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। मतलब पश्चिम से चलना शुरू करेंगे, पूर्व की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हिमालय का जो है विभाजन होता चला जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन का मतलब क्या हुआ कि हिमालय जिन जिन प्रदेशों से होकर गुजरती है उस प्रदेश से हिमालय का एक नाम रखा गया। जैसे मान लीजिए कोई, हम भागलपुर में पढ़ा रहे हैं आपको, बिहार के भागलपुर में, तो अगर कोई हिमालय भागलपुर के करीब से निकलती है तो उस हिमालय को हम भागलपुर हिमालय नाम दे दिए। जैसे मान लीजिए एक हिमालय है जो नेपाल से गुजरती है, तो यह एक प्रदेश नेपाल से गुजरी इसलिए इस हिमालय को, इतना सा को हम नेपाल हिमालय हमने कह दिया। जैसे यहाँ पर यह हिमालय अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है तो यह इस हिमालय को हम अरुणाचल हिमालय नाम दे देंगे। तो इस तरह से इसका प्रादेशिक विभाजन होगा। तो एक तो पश्चिम से पूर्व विभाजन भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप प्रादेशिक विभाजन भी कह सकते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन में जो मूल रूप से आज तक जो हम लोग जानते आए हैं उसमें क्या क्या है, सबसे पहले जो आप ऊपर में जो जम्मू कश्मीर राज्य देखते हैं, यहाँ पंजाब है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये पंजाब हिमालय है। यहाँ आप देखिए, यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर के जम्मू कश्मीर का जो यहाँ तक का भाग है वह आपका पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद यहाँ से पंजाब हिमालय, जैसे यहाँ तक जम्मू कश्मीर वाला ये वाला क्षेत्र जो है पंजाब हिमालय कहलाया, या इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। फिर इससे आगे बढ़िएगा तो यहाँ नेपाल तक, यहाँ से लेकर के नेपाल तक का जो भाग है यह आपका कुमायूं हिमालय में आएगा। किस में आएगा? कुमायूं हिमालय में। फिर जब यहाँ कुमायूं से आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, तो यह आपका नेपाल हिमालय में आएगा। नेपाल हिमालय, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेपाल हिमालय, और नेपाल से आगे जो, नेपाल से जो आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश तक, तो वह हो गया असम हिमालय। तो इस तरह करके, है ना, चार जो प्रादेशिक विभाजन है पश्चिम से पूर्व की हिमालय का, वह चार है, है ना। कौन कौन है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और अरुणाचल प्रदेश या असम हिमालय। तो यह चार जो है, यह चार तरह से देखिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेकिन यह जो चार है, तो यह आपका सबसे पहले जो है इसको विभाजित किया था वह एक ब्रिटिश जो है भूगर्भशास्त्री थे, जिसका नाम था सिडनी बुर्राड। क्या नाम था? सिडनी बुर्राड। तो यह एक भूगर्भशास्त्री थे ब्रिटिश के, सिडनी बुर्राड साहब, जिन्होंने जो है हिमालय का इस तरह से प्रादेशिक विभाजन किया था, है ना, और इसी को आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये सिडनी बुर्राड के काल में किया गया था। इसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है आप देखिएगा 1973 में, 1973 में, है ना, 1973 में एक और भूगर्भशास्त्री हुए जिनका नाम था एसपी चटर्जी। क्या नाम था? एसपी चटर्जी। तो एसपी चटर्जी साहब ने भी इसी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया और उन्होंने इस चारों से थोड़ा सा हट के किया। लेकिन अभी जो शिक्षक पढ़ाते हैं या जहां भी आप कोर्स देखिएगा, तो बहुत जगह जो है आपको यही पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय पढ़ाते हैं। लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं, ये तो सिडनी बुर्राड द्वारा किया गया था, और इसके बाद जो एसपी चटर्जी थे उन्होंने इस हिमालय का विभाजन जो यहाँ नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक था, इसको जो है, इस पूरे लंबे हिमालय को जब प्रादेशिक विभाजन किया गया, तो इन्होंने सबसे पहले जो है कश्मीर हिमालय को रखा, ये वाला कश्मीर हिमालय, ये हम एसपी चटर्जी का बता रहे हैं। दूसरा हिमाचल हिमालय, यह जो हिमाचल प्रदेश है इसका इतना सा को हिमाचल हिमालय कहा। इसके बाद कुमायूं हिमालय कहा। इसके बाद केंद्रीय हिमालय, नेपाल हिमालय को वो केंद्रीय हिमालय बताते हैं। और पांचवा जो है वो पूर्वी हिमालय, इधर वाला जो है वह पूर्वी हिमालय। तो यह विभाजन किसने किया? तो एसपी चटर्जी ने 1973 में किया। अब देखिए, तो कुछ नहीं, सब चीज तो वही है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय वही बात हो गया, कुमायूं हिमालय यहाँ भी है, यहाँ भी कुमायूं है ही, सिर्फ बीच में क्या आ गया? हिमाचल हिमालय। तो यह जो हिमाचल प्रदेश वाला राज्य है यह हिमाचल हिमालय हो गया। तो सिर्फ यही बदलाव जो है, थोड़ा मोड़ा प्रादेशिक बदलाव, और इन्होंने जिसको असम हिमालय कहा उन्होंने इसको पूर्वी हिमालय कहा,
है ना, ये पूर्व में है इसलिए पूर्वी हिमालय, तो बात कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो वही चीज है, सिर्फ प्रदेश के नाम पर जो है थोड़ा। अब मान लीजिए कि अगर नेपाल में कोई पर्वत श्रेणियां अगर है जो नेपाल में है, तो क्या वो बदलाएगा? क्या वो नहीं बदलाएगा? जो चीजें नेपाल में है वो नेपाल में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ क्या है थोड़ा सा उसको पढ़ने का ढंग जो है, या कह सकते हैं तो थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया, जो उसका नाम का हेर फेर किया गया, लेकिन बाकी चीजें वही है। जैसे मान लीजिए पीर पंजाल एक दर्रा है ना, पीर पंजाल पर्वत दर्रा है, शिवालिक दर्रा है, यह अगर यदि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक है तो यह यहीं पर रहेगा, चाहे इसका नाम आप कुछ भी बदल दीजिए लेकिन वह जगह तो नहीं बदलाएगा। तो सिर्फ एक ऐसा है। अब देखिए, सिडनी बुरार्ड को देखा, एसपी चटर्जी को देखा, 1973 में ये जो है उनका हुआ। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी का कक्षा 11th का बुक है, एनसीईआरटी का कक्षा 11th की जो बुक है ना, एनसीईआरटी 11th की जो बुक है, इसका जो सब्जेक्ट भूगोल है, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, तो जियोग्राफी में इसी चीज को जो है अलग तरीके से, जियोग्राफी में है ना, पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। क्या नाम है? भारत भौतिक। आपको लग रहा होगा कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, भारत भौतिक पर्यावरण जो है इसका, इस पुस्तक का नाम है। ये एनसीईआरटी की बुक है, 11th की है, कक्षा 11 की है, ज्योग्राफी की पुस्तक है और नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। अध्याय 2 में हिमालय का 5 प्रादेशिक विभाजन किया गया। अध्याय 2 में कौन सा चैप्टर में? चैप्टर 2 में जो है हिमालय का है ना 5 प्रादेशिक उपखंडों में विभाजन किया और करके हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। एक सिडनी बुरार्ड को देखा हमने, एक एसपी चटर्जी को देखा, और अब जो है इसमें ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11th का ज्योग्राफी जो वर्तमान समय में चल रहा है, भारत भौतिक पर्यावरण उस पुस्तक का नाम है, उसके अध्याय 2 में जो है उसने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इस प्रकार किया है, जो यहाँ एक नंबर पर उन्होंने लिखा कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, कश्मीर हिमालय तो इसमें भी है, इसमें भी है पंजाब या कश्मीर हिमालय, तो कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय को क्या बोला? उत्तर पश्चिमी। उत्तर ऊपर की तरफ, पश्चिमी इस तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय कश्मीर को बताया। दूसरा लिखा हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, जो हिमाचल हिमालय था दूसरा नंबर पर एसपी चटर्जी के द्वारा, उसको क्या लिखा 11th का एनसीईआरटी में? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तीसरा लिखा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ वाला क्षेत्र जो है ये सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय जो है इसको नाम दिया, सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा लिखा अरुणाचल हिमालय या असम हिमालय, इसको क्या बोला? अरुणाचल हिमालय या असम हिमालय। और इसके बाद भी एक पार्ट रखा जिसको रखा पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। क्या कहा? पूर्वी पहाड़ियां, मतलब पूर्व की तरफ जो पहाड़ियां हैं और जो पर्वत है। तो इस तरह करके हिमालय का 5 प्रादेशिक विभाजन एनसीईआरटी ने भी किया है। तो यह जो है इस तरह से। लेकिन अब आपका यहां पर सवाल होगा, आपकी उत्सुकता ये होगी कि सर आप जो बताने वाले हैं वो क्या होगा, है ना? आप सिडनी बुरार्ड को बताइएगा या एसपी चटर्जी को, या फिर जो 11th का ज्योग्राफी है कि जो पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण अध्याय 2 में जो लिया गया है उसको। तो हम आपको कहें कि सारा कंटेंट देखने के बाद जो है बेहतरीन कंटेंट एनसीईआरटी वाला जो है ना 11th का ज्योग्राफी का, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय या असम हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, इसका कंटेंट बहुत बेहतरीन है और ज़्यादा अच्छा से इसको बताया गया है। इसलिए मैं जो आपको आज हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन बताऊंगा तो मैं इसी के अनुसार चलूंगा, 11th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। इससे इसका मतलब ये ना समझें कि ये जनरल कंपटीशन के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप सब्जेक्ट को पकड़िए ढंग से, फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह जो जहां से आएगा सब बना दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 11th की ज्योग्राफी है तो ये आपको, ये चूंकि मेन मटेरियल जो जनरल कंपटीशन के लिए होता है वो खास खास चीजें, जो खास खास पॉइंट है, तो वो हमको समझना है और हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी 11th ज्योग्राफी जो भारत भौतिक पर्यावरण अध्याय 2 वाला जो है ना, इसमें जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है हम इसी को पढ़ेंगे। तो अब तो हम सब कुछ बता दिए आपको कि कहां से क्या क्या है। अब सबसे प्रथम जो आज आरंभ करेंगे वो है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, अब इस सब को भूल जाइए और यहां से आगाज करेंगे हम कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय से, और यहां से हम लोग समझेंगे कि कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में क्या क्या है, यह प्रदेशिक विभाजन। फिर दूसरा पढ़ेंगे हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इस तरह करके जो है पांचों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं यहां से, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय जो है इसको देखने वाले हैं। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय है, जिसको कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं या उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहते हैं, तो यह जो कश्मीर का उत्तर पश्चिम हिमालय है
सबसे पहले आप ये जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है इसको देखिएगा, यहाँ पंजाब है भारत के मैप में, यहाँ हिमालय है और इसके ऊपर जो है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है जो कि आज लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। तो इसी में जो है कुछ पीओके का क्षेत्र भी है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है इसमें, इधर ऑक्साई चीन भी है। तो लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं पर्वत श्रेणियाँ और इसमें हम लोग कश्मीर हिमालय को देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, फिर ये सियोक नदी है, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर सिंधु नदी है, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी है, फिर यहाँ पर आगे आइएगा तो पीर पंजाल दर्रा है, जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर से बढ़ती है आगे और हिमाचल प्रदेश तक आती है, और ये एक शिवालिक हिमालय है जो आगे जाके ये शिवालिक, चूंकि ये मैप थोड़ा सा ये हो गया है, शिवालिक हिमालय आगे आकर के जो ऐसे इस तरह से बनी हुई है, आप जानते हैं भारत का मैप ऐसे जो है शिवालिक हिमालय है। तो जो सबसे अंतिम सबसे दक्षिणी पार्ट जो हिमालय का आप जब उत्तर से दक्षिण विभाजन करते हैं तो सबसे अंतिम में जो शिवालिक हिमालय है वो यहाँ पर है, ये पीर पंजाल है। तो देखिए अब जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो आपके सामने है, इसमें कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में जो है ना काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है, यह चारों ही पर्वत श्रेणियाँ जो है ना इसमें शामिल है। किसमें? कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में क्या है? शामिल है। तो यह बात आप याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगर मैप में देखिएगा, सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और उसके बाद जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी, तो हिमालय का है ही। तो यह जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये चारों पर्वत श्रेणियां जो है वह किसमें शामिल है? तो कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय में शामिल है। आप इसको कश्मीर हिमालय कहिए या उत्तर पश्चिमी हिमालय, है ना, उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी हिमालय कहिए, तो उसमें जो है ये चारों ही पर्वत श्रेणियां हैं जो कि शामिल है ना। अब बात है कि कश्मीर हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? तो कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग जो है ना इतना लाख, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वह इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो औसत ऊंचाई अगर लीजिएगा तो औसत ऊंचाई है 3000, है ना, 3000 मीटर जो है इसकी औसत एवरेज हाइट जो है वह 3000 मीटर है। किसकी? तो कश्मीर हिमालय की। कश्मीर हिमालय का या उत्तर पश्चिम हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है? तो 3000 मीटर जो है ऊंचाई है। और इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है जो महान हिमालय और काराकोरम के मध्य में स्थित है, जो एक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या बोला, इसका उत्तर पूर्वी भाग, अगर यहां पर आप देखते हैं तो इसका उत्तर किधर होगा? ऊपर तरफ, और पूर्वी भाग तो इस तरफ, सॉरी देखिए इस तरफ तो पश्चिम भाग हुआ, इस तरफ पूर्वी भाग हुआ, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उत्तर, उत्तर पूर्वी, तो आप इस तरफ आइएगा। तो इसके जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, भाग जो महान हिमालय और काराकोरम के मध्य में स्थित है, अब महान हिमालय और काराकोरम के मध्य में जो भाग स्थित है ना, उस भाग में है ना एक शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल कहाँ है? तो इसका जो महान हिमालय है ना, महान हिमालय और इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है ना, उत्तरी पूर्वी भाग जो महान हिमालय और काराकोरम, तो या इसको महान उत्तरी पूर्वी भाग को महान हिमालय लिखें और काराकोरम, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, इस दोनों के बीच में, महान हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच में जो है इसका शीत मरुस्थल जो है वह, वहाँ शीत मरुस्थल के नाम से जो है उस जगह को जाना जाता है ना, उत्तरी भाग जो महान हिमालय है और काराकोरम के मध्य स्थित एक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व की प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और डल झील स्थित है। डल झील का नाम आपने सुना ही होगा, और कहाँ का बताया? तो कश्मीर की घाटी। ये दोनों चीज याद रखिएगा, एक हो गया है ना कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी, और दूसरा है आपका डल झील। तो यह दोनों जो है, क्योंकि हम लोग कश्मीर हिमालय पढ़ रहे हैं तो इतना वाला क्षेत्र जो है वह कश्मीर हिमालय में आएगा। तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच, एक तो आपका महान हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है ना, पीर पंजाल के पहले जो है महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच, तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच, इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच का जो क्षेत्र है ना, वह विश्व में प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और डल झील के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध है, है ना। डल झील वहीं पर विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और डल झील स्थित है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि डल झील और जो कश्मीर की घाटी है जो विश्व प्रसिद्ध है ये कहाँ स्थित है, तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच,
महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में जो है कश्मीर की घाटी और डल झील स्थित है। इसी क्षेत्र में बलटोरा, देखिए बलटोरो यह इसी क्षेत्र का जो है, क्योंकि इस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं हम कश्मीर हिमालय, तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो जो चीजें आएगी वही तो बताएंगे हम आपको। तो एक जो है बलटोरो है ना, बलटोरो और सियाचिन हिमालयी नदियां, एक बलटोरो और एक है सियाचिन हिमानी नदियां है ना, सियाचिन हिमानी नदियां, यह दो चीज, एक है बलटोरो और सियाचिन हिमानी नदियां स्थित है जो दक्षिण एशिया में अपना स्थान रखती है। यह बलटोरो और जो सियाचिन हिम नदियां हैं यह दक्षिण एशिया में यह जो है अपना स्थान रखती है, क्योंकि और यह जो है कहां पर, तो यह आपका जो आपका कश्मीर हिमालय है या जो उत्तर पश्चिमी हिमालय है उसी में स्थित है बलटोरो और सियाचिन हिमानी नदियां जो दक्षिण एशिया में, क्योंकि ये एशिया का दक्षिणी भाग में भारत है तो ये दक्षिण एशिया में ही आएगा, और दक्षिण एशिया का जो है यह विश्व प्रसिद्ध नदियां हैं, तो इसको याद रखिएगा बलटोरो और सियाचिन हिमानी नदियां जो है यहां पर है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, करेवा, देखिए अभी हम इसको बताएंगे करेवा क्या है, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए करेवा में जो है ना, जहाँ की आपका जाफरान जो आप केसर बोलते हैं, करेवा हो गया इसमें जाफरान, जाफरान मतलब केसर होता है जो हम लोग केसर इस्तेमाल करते हैं, जाफरान हो गया, केसर बहुत महंगा आता है, अखरोट यह सब चीज़ जो यहाँ पर है, अखरोट, पिस्ता, बादाम जो बोलते हैं, पिस्ता बादाम ये भी है, यह सब चीज़ें जो है यहाँ पर खेती होती है ना, जाफरान, अखरोट, पिस्ता बादाम, सेब है ना, सेब, जरदालू भी है। अब ये जरदालू मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जरदालू आम नहीं समझिएगा, ये जरदालू कुछ जो है खाने वाला चीज़ है, सतालू आदि की खेती जो है यहाँ पर होती है, सतालू, तो देखिए कितना कितना चीज़ है ना। करेवा में जाफरान, करेवा यह जो है, करेवा क्या है पहले इसको जान लीजिए, करेवा एक प्रकार के हिमानी निक्षेप होते हैं जो हिमानी क्षेत्रों के झीलों में जमा होते हैं, तो करेवा जो है यह एक हिमानी निक्षेप है, क्या है, करेवा एक हिमानी निक्षेप है, करेवा एक प्रकार के हिमानी निक्षेप होते हैं जो हिमानी क्षेत्रों में या हिमानी क्षेत्र के जो गर्त होते हैं उनमें इस तरह की फसलें जो है हुआ करती है ना, जो हिमानी क्षेत्रों में या क्षेत्रों के झीलों के गर्तों में जमा होती है, और उसी करेवा में जो है जाफरान, जो केसर है, सेब, जरदालू, अखरोट, पिस्ता, बादाम, सतालू, यह सब चीज़ों की जो है खेती होती है। तो इसलिए बोला करेवा एक प्रकार के हिमानी निक्षेप होते हैं जो हिमानी क्षेत्रों के झीलों में गर्तों में जमा होते हैं, है ना, तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, और कश्मीर हिमालय में जो है ये हिमानी क्षेत्र ज़्यादा है, करेवा ज़्यादा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि करेवा क्या है, करेवा एक हिमानी निक्षेप है ना, और इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, है ना, हिमानी निक्षेप है, और जो हिमानी क्षेत्र के झीलों में या हिमानी क्षेत्र के जो गर्त होते हैं उसमें वो करेवा जमा होते हैं, वह जो है उसमें इस वह जो है ना, एक प्रकार से आप कहिए तो इसके लिए कश्मीर हिमालय करेवा के लिए जो है प्रसिद्ध है, और उसमें जाफरान, सेब, जरदालू, अखरोट, पिस्ता, बादाम, सतालू, इस तरह की जो है खेती इन चीज़ों की जो है होती है। इस हिमालय में जो जिला दर्रा है यह भी आप जान लीजिए, जानते हैं जो जिला दर्रा कहाँ है जम्मू कश्मीर में, तो जो जिला दर्रा जो है यह भी आपका किसमें है, तो यह आपका जो कश्मीर हिमालय है उसी में है जो जिला दर्रा है ना, और आगे है पीर पंजाल, महान हिमालय के दर्रे हैं इस हिमालय में, जो जिला दर्रा तथा पीर पंजाल, पीर पंजाल को हमने आपको मैप में दिखाया है ना, पीर पंजाल, यह दो दर्रा जो है इसका महान दर्रा माना जाता है, जो जिला दर्रा और पीर पंजाल, देखिए पीर पंजाल यहाँ है और जो जिला दर्रा भी जो है इसके आपका अगल थोड़ा सा बगल में है, तो पीर पंजाल दर्रा और जो जिला दर्रा दोनों ही दर्रा जो है आपका इसमें मौजूद है। तो इस हिमालय में जो जिला दर्रा तथा पीर पंजाल महान हिमालय के दर्रे हैं, फोटुला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और खरदुगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा लद्दाख श्रेणी का, और इसका जो है आपको जो जो दर्रा है उसको बता देते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं और इसमें कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय जो आपका ये वाला क्षेत्र है, हम प्रादेशिक विभाजन में बात करें तो इतना सा क्षेत्र जो है वह आपका कश्मीर हिमालय में आता है, तो फोटुला दर्रा और खरदुगला दर्रा यह दो दर्रा है, तो जो फोटुला दर्रा है यह आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में है, और जास्कर पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं कहाँ है, ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी है। दूसरा जो खरदुगला दर्रा है यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, और यह आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो चूंकि हम कश्मीर हिमालय पढ़ रहे हैं या उत्तर पश्चिम हिमालय पढ़ रहे हैं, इसमें जो दर्राएं हैं, जो झील है, उन चीज़ों को हम जान लेते हैं,
तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि फोर्टुला दर्रा कहाँ है, तो यह जास्कर पर्वत श्रेणी में है, और खरदुगला दर्रा कहाँ है, तो यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, और यह दोनों कहाँ है, तो कश्मीर हिमालय में है या उत्तर पश्चिम हिमालय में है। आगे बढ़ते हैं, आगे है डल झील जो बहुत फेमस है, आप जानते हैं। बुलर झील भी बहुत फेमस है। डल झील और बुलर झील, जिसको आप खारे पानी की झील या क्या है, तो चूंकि यह जो है अलवनीय झील है। क्या है? अलवनीय झील। तो डल झील और बुलर झील दोनों जो है अलवनीय झील है, और यह दोनों झील जो है आपका कश्मीर हिमालय में अवस्थित है या उत्तर हिमालय में जो है अवस्थित है। तो याद रखिएगा, डल झील तो आप याद रखते हैं जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, लेकिन डल झील बुलर झील जो है यह एक अलवनीय झील है जो आपका उत्तरी हिमालय में स्थित है। आगे है पांगांग, पांगांग सो। यह जो पांगांग सो है यह भी एक झील है, और आगे जो सुरीरी समुरीरी समुरीरी है यह भी एक झील है जो एक लवणीय झील है, है ना। डल झील, बुलर झील और लवणीय झील है। पांगांग सो और समुरीरी जो है यह एक लवणीय झील है, और यह आपका उत्तर हिमालय में अवस्थित है, है ना। तो यह भी याद रखिएगा, डल झील, बुलर झील, पांगांग सो और समुरीरी यह जो है उत्तर हिमालय का पार्ट है, उत्तर हिमालय में अवस्थित जो है यह झीलें हैं, ठीक है। अब उत्तर हिमालय में कुछ सहायक नदियां भी है, है ना। इस क्षेत्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब। इसी क्षेत्र में सिंधु नदी है। हमने आपको पहले कहा था कि सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत है, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये सियोक नदी है, इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, और फिर ये सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी है, और ये लेह लद्दाख है जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये सिंधु नदी है। तो क्या बोला कि इस क्षेत्र में जो है सिंधु नदी बहती है, या कह सकते हैं इस क्षेत्र में सिंधु तथा इनकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब प्रवाहित होती है, है ना। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब है, यह सब भी जो है कहाँ है, उत्तर आपका आप उत्तर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय में है, या कश्मीर हिमालय में स्थित है। यह याद रखिएगा, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां जो झेलम है और जो चिनाव है, झेलम और चिनाव नदी जो है ना, वितस्तता का युद्ध आप जानते हैं जो सबसे पहले लड़ा गया था, सिकंदर की सेना जो है यहाँ पर करना चाहती थी, तो इन करना चाहती भारत में, वही झेलम है, सहायक नदी जो है सिंधु की है, झेलम और चिनाव, और यह नदियां भी जो है आपका उत्तर हिमालय में ही स्थित है। यह आपका उत्तर हिमालय वाला क्षेत्र या कश्मीर हिमालय जिसको कहते हैं, उसमें आपका सिंधु, झेलम और चिनाव नदियां आती है। अब है जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर राजधानी है, वह झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। कहाँ है? झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कौन? तो श्रीनगर। और अभी जो आपका लेह लद्दाख जो लेह क्षेत्र है वह कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर है। देखिए, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसके बाद इस गैप में सियोक नदी, इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर ये सिंधु नदी, और ये जो ब्लैक वाला है ये लेह है, लेह जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा, श्रीनगर है झेलम नदी के तट पर बसा हुआ, लेह जो है वह सिंधु नदी के तट पर बसा है। सिंधु नदी का जो आविर्भाव होता है वह तिब्बत के पठार की तरफ से बहती हुई नदियां हैं, जो वही नदी आगे आकर के जो है सिंधु बनती है, जो इस तरफ जो है आगे बढ़ती है। तो यह हो गया आपका झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है कौन? श्रीनगर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है कुछ आपका वैष्णो देवी की गुफा भी है ना, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में वैष्णो देवी की गुफा, वैष्णो देवी का जो मंदिर है यह भी आपका कश्मीर हिमालय में है। अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ यात्रा आप जानते हैं, यह भी जो है आपका कश्मीर हिमालय में है। और जो चरार ए शरीफ है, चरार ए शरीफ जो है यह भी आपका, यह चूंकि जो दैवी का स्थान माना जाता है, तीनों जो है आपका चरार ए शरीफ, वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफा, यह तीनों जो है आपका जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर हिमालय में ही है, या कह सकते हैं उत्तर पश्चिम हिमालय में है, या कश्मीर हिमालय में, या पंजाब हिमालय में, ये इतना नाम जो है आप इस प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का। तो यह सब चीज़ें जो है वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरार ए शरीफ जो है, चरार ए शरीफ इसी में मौजूद है। अब है कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग। अब कश्मीर हिमालय का दक्षिणी भाग कौन सा होगा? देखिए, मतलब नीचे की तरफ, ये है कश्मीर हिमालय, इससे ऊपर, इससे अगर आप ऊपर जाइएगा तो उत्तर तरफ, नीचे आइएगा तो दक्षिण तरफ। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य अर्थात लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लॉन्गिट्यूडनल अर्थात अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें दून के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। जैसे जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया, यह सब है। मतलब कि कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में जो घाटियां लॉन्गिट्यूडनल है अर्थात अनुदैर्ध्य घाटियां है, उन घाटियों को दून कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दून क्या है, तो दून है जो कश्मीर हिमालय में जो घाटियां अनुदैर्ध्य हैं, उन घाटियों को, दक्षिण हिमालय में जो घाटियां अनुदैर्ध्य हैं
उन घाटियों को दून कहा जाता है ना, उसी में दून के नाम से जाना जाता है। उसी में जैसे जम्मू दून हो गया है ना, पठानकोट दून हो गया, तो यह जो है यह सब जम्मू दून, पठानकोट दून, यह सब क्षेत्र जो है आपका कश्मीर हिमालय में ही आएगा या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही आएगा। तो आज जो है मित्र, आज हम लोगों ने इसको देखा, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय को देखा। अगली वीडियो जो होगी इसके बाद वाला जो क्षेत्र आएगा हिमाचल हिमालय या जो उसके बाद जो क्षेत्र है वह हम आपके सामने लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।